प्यारे साथियों, आज का जो हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो करेंगे हम। वो इंडियन हॉकी है या हॉकी के जो खेल है उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अभी जो परीक्षाएं हैं हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा हरियाणा में टीचर्स की भर्ती के लिए एस्टेट तथा के TGT और PGT की दो परीक्षाएँ होती हैं, जो साथी कक्षा 6 से 8 तक के TGT और 9 से 12 कक्षा तक के PGT होते हैं। जो साथ ही DP फिजिकल एजुकेशन के जो PTI या DP की जो भर्ती होनी है, हरियाणा में फिजिकल एजुकेशन से एस्टेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो साथी फिजिकल से एस्टेट फिजिकल एजुकेशन से TGT या PGT का एस्टेट करते हैं, वही फार्म आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा जिन साथियों का एस्टेट की परीक्षा क्लियर नहीं होती या स्टेट की परीक्षा पास नहीं होती, वो फार्म के भरने के योग्य नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी हाल ही में 18-19 दिसंबर 2021 को स्टेट की परीक्षा होने वाली है। स्टेट की परीक्षा होने के बाद आपको भविष्य में जब भी वैकेंसी रिक्रूटमेंट आएंगी उसके अकॉर्डिंग आपको बुला लिया जाएगा, या फार्म भरेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्रेंस देने के बाद आपका एज ए PTI एज ए DP फिजिकल इंस्ट्रक्टर का आप की जॉब आपकी लग जाएगी। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो स्टेट से संबंधित हॉकी के, वो हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच हॉकी का कब खेला गया। देखिए, हॉकी की शुरुआत या हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था, 26 जनवरी 1885 को खेला गया था। अब बात करते हैं हॉकी के जन्मदाता किसे माना जाता है। हॉकी के जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है, जिन्होंने 1277 ईस्वी में लिंकनशायर के एक उल्लेख में अंग्रेजी विद्यालयों में 19वीं सदी के में आरंभ की थी और 1861 ईस्वी में ब्लैकहिथ रग्बी एंड हॉकी क्लब की स्थापना की गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि 1861 में ब्लैक हित रग्बी एंड हॉकी की स्थापना की गई थी, ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 26 जनवरी 1995 को खेला गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, अब बात करते हैं कि ओलंपिक को में हॉकी को कब शामिल किया गया। तो ओलंपिक को में हॉकी को 1900 इसका जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, और उनका जन्मदिन 29 अगस्त को भारतीय हॉकी टीम के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हाल ही में 1980 के जो ओलंपिक के बाद भारत ने 41 साल के बाद 2021 में इंडियन हॉकी टीम मेंस ने कांस्य पदक जीतकर भारत का एक बार हॉकी का युग शुरू कर दिया है। वहीं बात विमेंस की बात करें, विमेन हॉकी टीम की बात करें, तो विमेन हॉकी टीम हमारी 4th प्लेस पर है ओलंपिक्स में। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो श्रेय जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षाओं के लिए पूछे जाएंगे हॉकी के। ऐसे को जो सवाल जो हॉकी से पूछे जाएंगे वो आज हम कवर करने जा रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा, अब तक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा किस खेल के द्वारा ओलंपिक में पदक जीते गए। तो ऐसा एकमात्र गेम है हॉकी जिसने अब तक सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, और खेल में स्वर्ण पदक भी भारत के लिए पदक जीते हैं। और उसका दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए तो साथ साथ दूसरा गेम बताइए जिसने अब तक हॉकी को छोड़ करके दूसरा गेम कौन सा जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करके पदक जीते हैं। तो दूसरा जो हमारा गेम है वो है कुश्ती, रेसलिंग से है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, रेसलिंग से अगला क्वेश्चन है, इसमें हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया। यह खेला गया 1895 को खेला गया था, और पहला मैच किस के बीच में खेला गया था, वेल्स और आयरलैंड के बीच में खेला गया था। ओलंपिक, देखिए
ओलंपिक में पहली बार हॉकी को कब खेला गया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक में 1908 में, जो 1908 के जो ओलंपिक हुए थे, 1908 के ओलंपिक में इसे खेला गया था। ठीक है, और देखिए 1908 में जब इसे खेला गया था, अब क्वेश्चन ये बनता है कि पहला स्वर्ण पदक, पहला गोल्ड मेडल हॉकी में किसने जीता था लंदन ओलंपिक में 1908 में? तो किसने जीता था भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, तो इंग्लैंड ने ही जीता था। ठीक है, ब्रिटिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश एसोसिएशन हॉकी की स्थापना कब हुई थी? 1886 ईस्वी में स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने ना हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता? ये क्वेश्चन यहाँ भी आ गया, इंग्लैंड ने जीता। हॉकी का को स्थायी रूप से ओलंपिक में कब शामिल किया? एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत हॉकी को शामिल किया गया। और मेरे प्यारे साथियों, आपको एक विशेष तौर पर बात बता देते हैं कि 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। जब भारत ने 1928 में पहली बार हॉकी में लिया, हॉकी को शामिल को स्थायी मान्यता प्राप्त थी, तो भारत ने 1928 ईस्वी में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का एक नया इतिहास रच दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि उस समय भारतीय हॉकी टीम की जो स्थापना थी या कब की गई थी, तो भाई 1900 स्थापना की गई थी। और भारतीय हॉकी टीम के जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताएं, भारतीय हॉकी टीम ने 1928 ईस्वी में पदक जीतकर, गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय हॉकी जो टीम है उसकी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में भारतीय संघ की, भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई। और 1927 में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। और पहली बार ओलंपिक्स में भारतीय जो टीम थी उन्हें एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में भेजे गए थे, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत का जो प्रदर्शन था वो बेहतर रहा। उस समय 1928 में भारत ने पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था 1928 में। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इसी का कि ब्रिटिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना 1986 में हुई थी, ब्रिटिश हॉकी एसोसिएशन की। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। और 1927 में किस हॉकी संघ की स्थापना हुई? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी की जो स्थापना थी उसकी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा इसी में कि अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1925 में की गई, 7 नवंबर 1925 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय हॉकी ने सर्वप्रथम कब पदक जीता था? तो भारतीय ओलंपिक हॉकी ने 1928 में एम्स्टर्डम के ओलंपिक्स में भारत के लिए पदक जीता था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि भारतीय टीम ने किस देश में रिकॉर्ड से अंतर से रहा? देखिए, बड़ा विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड के अंतर से किस देश को हरा? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें पूछा, किस टीम को भारत ने 24-1 के अंतर से हराया, ये आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला। तो सबसे ज़्यादा अंतर 24-1 के अंतर से 1932 में जो ओलंपिक हुए थे, 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में भारतीयों ने मेजबान अमेरिका को 24-1 से हराकर सर्वाधिक अंतर से कीर्तिमान जो अंतर था उसे स्थापित किया। और जिसमें से
ग्यारह गोल किसके थे? रूप सिंह ने दागे तथा 8 गोल मेजर ध्यानचंद ने। इन दोनों सगे भाइयों ने 24 जो गोल का कीर्तिमान रिकॉर्ड था, 19 गोल दाग करके एक इतिहास रचा था। और ये विश्व का सबसे ज़्यादा गैप वाला रिकॉर्ड है जो क्रिकेट नेशनल खेलों में है, माना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है हमारा कि भारतीय हॉकी टीम लगातार 1928 से लेकर 1956 तक कितने स्वर्ण पदक जीते? 6 स्वर्ण पदक जीते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय टीम ने हॉकी में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने किन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? भारतीय हॉकी टीम ने किन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो 1966, 98, 2002 में भारतीय हॉकी टीम ने पदक जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के हॉकी टीम ने कब पदार्पण किया? जो भारत की महिला हॉकी टीम थी कब कब पदार्पण किया भाई? 1953 में भारतीय हॉकी टीम महिलाओं की तैयार हुई। अब बात करें टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम का बेटर प्रदर्शन रहा, जिसमें वंदना कटारिया, सविता पुनिया, अभी ओलंपिक्स में हमारी भारतीय टीम थी कौन से प्लेस पर रही? वो चौथे स्थान पर रही हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चौथे स्थान पर रही थी, जिसके माध्यम से अगला क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। महिला हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1974 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की 5वीं एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी कहाँ हुई थी भाई? दक्षिण कोरिया में हुई थी। और किन जीती थी? दक्षिण कोरिया ने जीत ली थी भाई। भारतीय महिला हॉकी ने किस राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था? मैनचेस्टर 2002 में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था भाई। भारतीय हॉकी टीम का जो ग्राउंड है, मैदान है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी? 100 × 60 गज होती है भाई लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा इसी का भाग है जो हम करने जा रहे हैं बिल्कुल, कि प्लेंटी स्ट्रोक चिन्ह का व्यास कितना होता है भाई? 6 इंच का होता है। हॉकी खेल की जो गोल है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी? लंबाई ऊंचाई कितनी, चौड़ाई ऊंचाई कितनी होती है? 4 गज तो चौड़ा होता है और भाई 7 फुट ऊंचा होता है। भारत हॉकी टीम की जो गेंद उसकी परिधि कितनी होती है? 8 से 13/6 से 9, 9.5 इंच के बीच में होती है भाई, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉकी टीम का। कि अगला क्वेश्चन है, हॉकी की जो गेंद है, हॉकी की जो गेंद है इसका जो हॉकी गेंद गोल होती है भाई, और इसका जो वजन है वो कितना होता है? 5.5 औंस से 6.25 औंस के बीच में होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हॉकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाएंगे। आपसे अनुरोध है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, और फिजिकल एजुकेशन से जो संबंधित हैं वो साथी इस वीडियो को और अधिक शेयर करें। धन्यवाद।